आदाब नाजरीन, आप सभी लोगों का खैर मकदम है यंग बाइट में वसीम बट के साथ। जिस तरीके से आप सभी लोगों को मालूम होगा कि यंग बाइट ने हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट अपने दर्शकों तक पहुंचाई है, जिस तरीके से अभी आप इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं कि क्रशर किस तरीके से यहाँ पर रन हो रहा है। अगर हम बात करें कि जिला किश्तवाड़ के अंदर कुछ क्रशर जो है उनको सीज करवा दिया गया है और बंद है इस वक्त वो, हालांकि डायरेक्शंस तो ये है जब तक ना आइडेंटिफाइड लोकेशन जो है माइनिंग के लिए दी जाएगी तब तक के लिए जो है ये क्रशर जो है बंद रहेंगे, सीज किए जाएंगे। अगर हम बात करें जिला किश्तवाड़ के अंदर कुछ ऐसे भी क्रशर हैं जो इस वक्त सीज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त आप पाटर इलाके में देख सकते हैं मेरे पीछे क्रशर आप यहाँ पे किस तरीके से रन हो रहा है और कहीं ना कहीं कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। और अगर डायरेक्शन ये है कि सीज होना चाहिए तो हमें बताइए एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, हमें ये बताइए आप कि एडमिनिस्ट्रेशन को क्या इस बारे में मालूम नहीं है कि यहाँ पे जो है अगर जिला किश्तवाड़ के अंदर वहाँ पे आपने क्रशर कुछ बंद करवा दिए गए हैं लेकिन यहाँ पे अभी रनिंग में है, ऐसा क्यों? आप सभी लोगों को यह भी मालूम होगा कि कानून का उल्लंघन करने वाला जुर्मदार कहलाया जाता है, लेकिन आप इस वक्त देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि कुछ क्रशर जो है सीज करा दिए गए हैं सिर्फ इस वजह से कि जो है जब तक ना आइडेंटिफाइड लोकेशन जो है माइनिंग के लिए दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से तब तक जो है वो सीज रहेंगे। लेकिन यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से ये अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, पिक एंड चूज पॉलिसीज की जा रही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि हर किसी जगह पर यह चीज़ वेरीफाई करे, चेक करे। कहीं ना कहीं यहाँ से यही लगता है कि जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट जो है वो पिक एंड चूज पॉलिसीज करते हैं और सेलेक्टिव क्रशर जो है बंद रख दिए गए हैं, बंद करा दिए गए हैं, सीज करा दिए गए हैं, लेकिन पिक एंड चूज पॉलिसीज करके यहाँ पे अभी इस वक्त जो है आप मेरे पीछे ये क्रशर जो है चलते हुए देख सकते हैं। अब यहाँ से मैं यही कहना चाहूँगा, क्या आप लोग इसे मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि इस सारी चीज़ों को वेरीफाई करें और पिक एंड चूज पॉलिसीज जो है ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंसी है उनकी, क्योंकि सेलेक्टिव जो है क्रशर्स बंद करा के और कुछ क्रशर जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे रन हो रहा है। जी नाजरीन, इस वक्त हम बंजवार इलाके में पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से हमने इससे पहले पाटर इलाके का जो है दौरा किया था, यंग बाइट्स की पूरी टीम ने वहां तक जाके जो है वहां पे एक क्रशर जो रनिंग में था, आज हमारा इस स्टोरी को कवर करने का मकसद क्या था हम दर्शकों को ज़रूर बताना चाहेंगे। इससे पहले हम बताना चाहेंगे कि 7/1/2021 को ज़िला किश्तवाड़ के अंदर 4 क्रशर सीज किए गए। जब हमने इसी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश की, इसके बारे में मालूमात जो है जियोलॉजी माइनिंग ऑफिसर जो है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जो हेड ऑफिशल्स हैं उनसे जानने की कोशिश की, तो उनका साफ लफ्ज़ों में ये कहना है कि दूर इलाकों के लिए हमारे पास गाड़ी अवेलेबल नहीं है। हम ये सारी बातें जो है DC साहब को भी पता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से सवाल ये खड़ा होता है कि जब भी कोई ऑर्डर निकलता है, जब भी कोई डायरेक्शंस होती है, उसको इम्प्लीमेंट करना जो है हेड ऑफिशल्स का काम होता है। जिस तरीके से कंसर्न डिपार्टमेंट यहाँ के जो है जियोलॉजी माइनिंग ऑफिसर जिससे हमने बात की, तो उनका काम है इंप्लीमेंट करना, ना कि पिक एंड चूज पॉलिसीज करना। मैं आपको बता दूं, 4 क्रशर ऐसे हैं जिनको सीज करा दिया गया है और 7 तारीख से अभी तक 7 दिन का टाइम है और 7 दिनों तक जो है अभी तक पाडर एरिया में जो हमने अपने दर्शकों को बताया है कि किस तरीके से वहां पर जो है क्रशर जो है रनिंग में था। तो इस तरीके से जिला एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि कोई भी ऑर्डर जब इंप्लीमेंट होता है वो सबके लिए होना चाहिए, ना कि पिक एंड चूज पॉलिसीज करके। जो है आपने यहां पे जो है देखा होगा जिस तरीके से यंग बाइट्स हमेशा आपको ग्राउंड रिपोर्ट जो है दिखाने की कोशिश करती है, वही आज हम स्पेशली पाडर इलाके में पहुंच के ये इस चीज को मंजरे आम पे लाने के लिए हमने वहां का दौरा किया और वहां पे हमने साफ जो है आप दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से वहां पे क्रशर जो है रनिंग में था। हालांकि अगर बात की जाए तो 7 तारीख, मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि 7/1/2021 को ये 4 यहां पे क्रशर जो है सीज करा दिए गए हैं। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो आगे आके दिखाए यहां पे कि किस तरीके से यहां डिपार्टमेंट के द्वारा जो है यहां पे सीज किया गया है। आप देख सकते हैं यहां पे जियोलॉजी माइनिंग ऑफिसर यहां पे ताला लगा हुआ है, तो
आप यहां से नोट कर सकते हैं या अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो है धांधली, हम कहेंगे इसको कि अगर कोई ऑर्डर निकलता है तो उसको पूरी के पूरे तरीके से जो है फॉलो करो और इंप्लीमेंट करो, ना कि कुछ सेलेक्टिव क्रशर्स को बंद करके बाकी के जो है अभी रनिंग में है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं ये जानने की जरूरत है, इसके ऊपर नजरसानी करने की जरूरत है। अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खड़ा होता है।